दोस्तों, मर्द और औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक तख्लीक है। हम जानते हैं कि बगैर मर्द के औरत कुछ नहीं है और बगैर औरत के मर्द कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और ये एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जोड़े से तमाम इंसानों को पैदा फरमाया और ये एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। बगैर औरत के मर्द कुछ नहीं है जैसा मैंने बताया, और बगैर मर्द के औरत कुछ नहीं है। इनके अपने अपने रोल हैं और ये अपने अपने रोल अदा करते हैं। अगर कोई शख्स अपना रोल ईमानदारी से अदा ना करे तो ये सिस्टम जो है ये पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसमें अगर कोई ये सोचे कि मैं इसका रोल एक्सचेंज कर लूं, यानी मर्द के रोल औरत और औरत के रोल मर्द करने लगे, तब भी ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, वो इसी तरह है जिस तरह बना दिया गया है। इसमें ना तो एक दूसरे के रोल एक्सचेंज किए जा सकते हैं और ना ही एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी की जा सकती है। कुछ जगहों पे मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है और कुछ जगहों पर औरत को मर्द पर फजीलत हासिल है। अगर हम बात करें ओवरऑल की तो मर्द को फजीलत हासिल है औरत पर, लेकिन अगर हम बात करें माँ और बाप के रिश्ते पर तो माँ को फजीलत हासिल है बाप पर, यानी माँ का एक दर्जा बाप से बुलंद है। लेकिन इस फजीलत की वजह क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, और वैसे भी आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा इंशाल्लाह। आज मेरा टॉपिक कुछ और है तो आज हम उसी पर बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को इंसान का खुला दुश्मन बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कई बार इरशाद फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसको अपना दुश्मन ही समझो। और जैसा कि हम जानते हैं कि दुश्मन कोई भी मौका छोड़ता नहीं, यानी शैतान इंसान को बर्बाद करने का, गुमराह करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, बल्कि वो बहुत मेहनत करता है कि इंसान को गुमराह करे, यानी बनी आदम को गुमराह करे। और वो अल्लाह से इस बात का वादा भी कर चुका है, लेकिन इसके अलावा उसने एक वादा और किया, और वो वादा भी कुरान में बकायदा दर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वादे के बारे में भी इंसानों को बता दिया है, और वो वादा कुछ इस तरह से है कि शैतान कहता है, इबलीस कहता है कि मैं इन इंसानों को हुक्म दूंगा और वो तेरी तख्लीक से मुंह मोड़ेंगे। अगर हम आज गौर करें तो हमें ये चीज बहुत आम देखने को मिल जाएगी कि आज का इंसान अपनी तख्लीक से खुश नहीं है, क्योंकि जो इंसान काला है वो गोरा होना चाहता है, लोग प्लास्टिक सर्जरी करके और खूबसूरत होना चाहते हैं, जिन लोगों के बाल स्ट्रेट हैं वो घुंघराले करवाना चाहते हैं, जिन लोगों के घुंघराले हैं वो स्ट्रेट करवाना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं वो सांवला होना चाहते हैं, लोग अपने जिस्म पे टैटू बनवा कर जानवरों की तरह शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अगर आप गूगल कर देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर लाख तादाद टैटूज बनवा रखते हैं, और उनकी इतनी भयानक शक्ल लगती है कि खुद ऐसा लगता है जैसे शैतान हो। लोग तमाम कॉस्मेटिक सर्जरी करा के खुद को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं था कभी। लोग अपने जिस्म को छिदवा रहे हैं, उसमें तरह तरह के पिंस, नोज पिन या रिंग्स पहन रहे हैं। आपने देखा होगा पूरी पूरी बॉडी जो है वो छिदवा रखी है लोगों ने, और बिल्कुल एक तरीके से इंसान तो दूर की बात, जानवर भी ये काम ना करें, ये तो इबलीस और मलाउन जैसे लगते हैं देखने में। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने पूरे जिस्म पे टैटू या फिर कट लगवा रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग, एक आध की बात नहीं कर रहा मैं। कहने का साफ मतलब है कि इंसान अपनी तख्लीक से खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बना दिया। दोस्तों, मेरे सामने एक ऐसी वेब सीरीज आई, एक ऐसा पोस्टर आया जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसको प्रमोट करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें मेरे जरिए प्रमोट हों, क्योंकि मेरे दोस्तों में इतने भी काबिल लोग हैं कि वो लोग जाएंगे नेटफ्लिक्स पर, सर्च करेंगे वो चीज, उसको देखेंगे और बिना बात उस मूवी की पब्लिसिटी होगी या उस वेब सीरीज की पब्लिसिटी होगी। इसलिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उस वेब सीरीज में एक आदमी को प्रेग्नेंट दिखाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक मर्द को प्रेग्नेंट दिखाने का मतलब क्या है।
क्योंकि अगर हम देखें तो पिछला महीना जो जून का गुजरा है इसको प्राइड मंथ के नाम से प्रमोट किया गया है और प्राइड मंथ के नाम से इसको मनाया जाता है पूरा महीना, और इसमें प्राइड परेड नाम से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आखिर ये प्राइड परेड क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि LGBTQ जो एजेंडा है, जो कम्युनिटी है, ये इस पूरे महीने को एक प्राइड डे के नाम से मनाती है, प्राइड मंथ के नाम से मनाती है। पहले डे के नाम से मनाया जाता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा महीना मखसूस इस काम के लिए या इस चीज़ के प्रमोशन के लिए लगा दिया गया है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी जो LGBT से रिलेटेड आपको देखने को मिल रही हैं। उसकी वजह यही है कि जो पिछला महीना गुजरा है, जून का महीना, वो मखसूस इनके लिए महीना मुकर्रर कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उसको मज़े लेते हैं, इंजॉय करते हैं। क्योंकि शायद अभी लोग ये सोचते होंगे नहीं इसमें क्या, एक मूवी है दिखा दी है, इससे क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग या माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे क्या भला माइंड प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो दिखाने को तो कुछ भी दिखा दें। तो दोस्तों आप यहाँ पे तीन चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि आज के वक्त लोग अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, मतलब सर्जरी करवा रहे हैं, मर्द से औरत बन रहे हैं, औरत से मर्द बन रहे हैं, जिनको ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। वैसे तो ये कुदरती तौर पर भी होते हैं, लेकिन आजकल लोग इसको सर्जरी की मदद से कर रहे हैं, वो ट्रांसप्लांट करके मर्द से औरत बन रहे हैं, औरत से मर्द बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, दूसरी सबसे अहम बात है, क्या आप जानते हैं किस तरह से औरत के हकूकों को प्रमोट किया गया? औरत के हकूकों की हिफाजत के अजीम नारे बुलंद किए गए, औरतों को घर से निकाल कर बाजार की जीनत बना दिया गया। दोस्तों आज हालात ये हो गए हैं कि जो औरतों की इज्जत होती थी आज उनको घर से निकाल कर, पर्दे से निकाल कर बाजारू जीनत बना दिया गया है। आज औरत एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई है, सेल्स गर्ल बनकर रह गई है। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है LGBT, यानी कि हम जिंसी को प्रमोट करना। अब आप सोचें, एक तरफ तो इंसान को लिबरल बना दिया, मॉडर्न बना दिया, और दूसरी तरफ हम जींस परस्त बना दिया, होमोसेक्सुअल बना दिया। तो क्या अब ये मुमकिन नहीं है कि वो औरतें या वो मर्द जो हम जींस हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखें कि उनको भी कोई बच्चा पैदा हो, और ख्वातीन भी इस बात को डिमांड करें, मतलब लिबरल ख्वातीन इस बात की डिमांड करें कि अब बच्चा पैदा करने का काम मर्दों का है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत दर्द के साथ औरत को गुजरना पड़ता है, और उसके साथ साथ बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को एक दर्जा ऊंचा दिया है मर्द के मुकाबले, क्योंकि वो सारी तकलीफ सहती है, झेलती है, और बच्चे की परवरिश करती है, उसको पैदा करती है। और वैसे भी ये अल्लाह की तख्लीक के उलट है कि मर्द बच्चे को जने, जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये एक तरह से बिल्कुल क्लियर माइंड प्रोग्रामिंग है ऐसे लोगों के लिए जो आज़ाद ख्याल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट टू नेचर के नाम से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा कर दी गई हैं, बल्कि चीज़ें नहीं मैं कहूँ जरासीम पैदा कर दिए हैं। और वैसे भी आपको पता ही है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो जाहिर बात है ये वो शैतान का जो वादा है, उस वादे का ही कहीं ना कहीं असर जो है अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि शैतानियत बहुत तेज़ी से जो है दुनिया पर हावी हो रही है, और क़यामत की निशानियों में ये मौजूद है, मतलब दर्ज है कि एक वक्त है जब शैतानियत जो है वो खुले तौर पर दुनिया के सामने जाहिर होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं चाहे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ की शैतानियत हो या चाहे वो वैसे इंसान के अंदर जो शैतान होता है, ये सब खुलकर अब सामने आना शुरू हो गया है। अच्छी चीज़ों को बुरा और बुरी चीज़ों को अच्छा दिखाना जो है वो एक हुनर बन गया है, और वही दिखाया जा रहा है, चाहे वो मूवीज़ से दिखाया जाता हो, चाहे बुक्स में दिखाया जाता हो, चाहे नॉवेल्स में दिखाया जाता हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि अच्छा जो है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। तमाम तर जो खुदा के कानून हैं उनको आज की दुनिया के बहुत सारे लोग बुरा बता रहे हैं, और जो दुनिया के बनाए हुए, मतलब इंसान के बनाए हुए जो कानून हैं उसको बड़ा अच्छा बताया जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये इसी का एक पार्ट है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आखिर क्या वजह है, कहाँ से हम लोगों के अंदर ये सारे नज़रिए आते हैं, कहाँ से ये चीज़ें जो हमारी एक नई जनरेशन है
जो इतनी तेजी से इन फितनों में लपेट रही है, इन फितनों में फंस रही है, ये आखिर क्यों इन फितनों में जा रही है, कहां से ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और सवाल कुछ इस तरह से है कि एक आदमी है, एक लड़का है या एक लड़की है, जो आम आदमी, आम लड़का या लड़की है, वो लोग खूबसूरत होना चाहते हैं, वो अपनी तख्लीक से खुश नहीं है, मतलब अपने चेहरे से खुश नहीं है, या अपने हाथों से खुश नहीं है, या अपने होंठ या नाक या किसी भी चीज से वो खुश नहीं है, वो खूबसूरत होना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में कहां से आता है कि उनको सर्जरी करानी है, उनको कहां से आता है कि उनको टैटूज करवाने हैं, उनको कहां से ये चीजें आती हैं कि वो खूबसूरत होने के लिए आर्टिफिशियल चीजें यूज कर सकते हैं या आर्टिफिशियल सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज, इस तरीके की चीजें करा सकते हैं। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। दोस्तों, उनके पास ये सारी चीजें जो हैं वो आपके टेलीविजन से आती है, जिसमें मूवीज हैं, जिसमें ड्रामास हैं, जिसमें म्यूजिक वीडियोज हैं, जिसमें नॉवल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो चीजों को सीखते हैं। इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो बकायदा तौर पर अपने आप को खूबसूरत होने के लिए सर्जरीज कराती हैं, बड़े बड़े मॉडल्स हैं। तो सबसे बड़ा फितना जो है वो मीडिया है, और मीडिया जो है वो आज के दौर में हर घर में पहुंच चुका है, चाहे वो टीवी के जरिए, चाहे आज जो है मोबाइल इंटरनेट के जरिए, आज हर इंसान के हाथ में ये चीज मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो चीजें सीख रहे हैं, जो उनकी तरबियत हो रही है, इस मीडिया से हो रही है। और मीडिया किसके हाथ में है? तो मीडिया है उन्हीं शैतान के पैरोकारों के हाथ में, और शैतान के पैरोकार ये जो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सिर्फ मीडिया के थ्रू करते हैं, और तमाम दुनिया की माइंड प्रोग्रामिंग आज इसके ही बदौलत की जा रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये चीजें हो रही हैं और दुनिया में दिखाई दे रही हैं, तो लोग इससे माइल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसान के अंदर शैतान इस तरह से दौड़ रहा है जैसे खून, मतलब नसों नसों में दौड़ रहा है हमारे शैतान। तो जब हमें शैतानियत देखने को मिलती है, तो हमारा दिल जो है उसकी तरफ जाता है, और हम लोग वही चीज करने की ख्वाहिश रखते हैं और करते हैं। जो लोग इस पर काबू पा लेता है वो ईमान वाला होता है, और जो लोग इस पर काबू ना पाकर और इस गुमराही की दलदल में उतर जाता है, वो शैतान का साथी हो जाता है। और यही चीज आज के दौर में हमें बहुत खुल के देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की मूवी जो है अब बहुत आने वाली हैं, आपने देखा होगा बॉलीवुड भरी पड़ी है, जिसमें हम जिनसी को प्रमोट किया गया, हॉलीवुड भरी पड़ी है, वेब सीरीज में भी यही चीजें हैं, हम जिनसी, अब जो है मैन प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, ये भी बहुत आ चुकी हैं। तो सारी चीजें अब जो आपको देखने को मिलेंगी वो सब ऐसी ही बेहुदा, बेतुकी, जिसमें बेहयाई भरी पड़ी होगी। आपने देखा फाश मवाद जो है आज की फिल्मों में कूट कूट के भरा हुआ है। वजह, आपकी नस्लों को बिगाड़ा जा रहा है, आपकी नस्लों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जब नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, तो जाहिर बात है कि मुस्तकबिल अपने आप जो है बरहाना हो जाएगा, एकदम नंगा हो जाएगा, और वही सब कुछ होता जा रहा है। मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है, इस दुनिया के इंसानी मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जब इंसान एकदम नंगा हो जाता है, बरहाना हो जाता है, उसको फाशियत जो है वो पसंद आने लगती है, तो जाहिर बात है उसके अंदर से रूहानियत अपने आप गायब होने लगती है, और शैतानियत आना शुरू हो जाती है। और शैतान के पैरोकार यही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान के दिल में, इंसान के कल्ब में रूहानियत है, वो शैतान को हमेशा ही फिटकारता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये शैतानियत इंसान के अंदर आ गई, तो समझ लो कि रूहानियत खत्म हो गई है। तो रूहानियत को खत्म कैसे किया जाएगा? वो गलत गलत चीजें आपको दिखाकर, गलत गलत नजरिए आपके अंदर पैदा कर, गलत गलत तसव्वुर आपके अंदर जमा कर, तभी जाकर वो रूहानियत खत्म होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी याद करनी चाहिए कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इसकी वजह से, मतलब हम जिनसी की वजह से, कितना सख्त अजाब भेजा गया था कि उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, नेस्त तो नाबूद कर दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। लेकिन आज के लोग सिर्फ वही गुनाह नहीं कर रहे, बल्कि उस तरह के जितने भी बड़े गुनाह हैं, जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे पहले की कौमों को नेस्त तो नाबूद कर दिया, वो सारे गुनाह जो है आज की कौम कर रही है,
और बड़ा फक्र के साथ, बड़ा ही इत्मीनान के साथ, बड़ा ही उसको प्रमोशन के साथ कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस तरफ जा चुके हैं। हमने बिल्कुल जो है आखिरी मरहले में कदम रख दिया है। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखना शुरू करें, जैसे अगर हम आज इंडिया की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम मुस्लिम जो खवातीन हैं वो किस तरह से नॉन मुस्लिमों से अट्रैक्ट हो रही हैं, उनके साथ शादियां कर रही हैं। तो ये सारी वजह क्यों है? क्योंकि अब हम जो हैं शैतानियत के उस दौर में हैं जिस दौर में हमें अपने ईमान की जो हिफाजत है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, और उसके लिए हमें हर जतन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इंसान की जान चली जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उसका ईमान चला गया, अगर वो ईमान पे कायम ना रहा, तो यकीन मानिएगा कि उससे ज़्यादा खसारे में कोई भी नहीं हो सकता। इंसान को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो टेस्टिफाई कर सके, यहाँ पर आजमा सके, और अगर ईमान के साथ उसका खात्मा होता है तो इंशाअल्लाह वो अपनी आजमाइश में जो है पास हो जाता है। लेकिन अगर उसका ईमान यहाँ बर्बाद हो गया तो फिर उसकी आजमाइश क्या हुई? वो फेल हो गया। और ये एग्ज़ाम जो है टेंथ का नहीं है कि आप दोबारा बैठ जाएंगे, ये एग्ज़ाम दुनिया का एग्ज़ाम है। इसमें एक बार पास होता है और एक ही बार फेल होता है, फुल एंड फाइनल। तो दोस्तों, आज हमें बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे ईमान के साथ रखे, हमें तमाम दज्जाली फितनों से बचाए, तमाम शैतानी फितनों से बचाए, और हमारा खात्मा ईमान के साथ करे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।